नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। वीरचंद पटेल रोड से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं। आपको बताएं कि ये बीटीएससी के छात्र हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं, जो चाहते हैं कि इनकी बहाली जल्द से जल्द की जाए। आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग मार्च निकाल रहे हैं, और हमारे पास ये तस्वीरें हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता संजीव जी ने भेजा है। वो फील्ड पर मौजूद हैं, हम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको मुद्दा बता देते हैं, बीटीएससी रिजल्ट जारी करने की मांग ये सब लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि क्या सिर्फ बीटीएससी के थ्रू डॉक्टर्स ही बहाल होंगे? क्या जूनियर इंजीनियर्स की जरूरत बिहार सरकार को नहीं है? और इसी मुद्दे को लेकर सब एकत्रित हुए हैं। लगातार कई दिनों से ट्विटर पर भी ये लोग ट्रेंड चला रहे थे कि बीटीएससी रिजल्ट जल्द से जल्द जारी की जाए, लेकिन अब ये सड़क पर उतर चुके हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करते नजर आए। जितने भी पार्टी ऑफिस है वहां से लेकर पूरे बीटीएस पटेल पर अभी हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें ग्राउंड से। अभी हम भाजपा कार्यालय हैं, यहां पे सहयोग कार्यक्रम चलता है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस किस तरह से यहां पे हजारों की संख्या में, यानी आप देख सकिए कि तस्वीरों में कि जो भाजपा कार्यालय से लेकर जदयू और आरजेडी कार्यालय तक हजारों की संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर आए हैं। क्या कुछ मांग है हम छात्रों से जानते हैं, और क्या क्या मांग है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी हम आपको बता दें कि यहाँ पे शांतिपूर्ण मार्च है डॉक्टरों की बहाली को लेकर के। महीनों में जूनियर जो इंजीनियर की बहाली है 3 साल से नहीं हो पा रही है, इसको लेकर के ये सब मांग कर रहे हैं। तो हम छात्रों से बात करते हैं, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांग है आपकी? सर, हम लोग का मांग यही है सर कि हम लोग का 7-8 महीना पहले ही काउंसलिंग का प्रक्रिया पूरा हो चुका है, उसके बावजूद हम लोग को रिजल्ट के लिए जब भी आयोग जाते हैं तो बार बार ये कहा जाता है कि 10 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, बट रिजल्ट दिया नहीं जाता है सर। इसके लिए हम लोग 8 महीना से बहुत परेशान है सर। वैकेंसी आया हुआ है सर, 19 में ही वैकेंसी आया सर। सर पोस्ट बिहार तकनीकी सेवा आयोग में कन्या अभियंता के लिए सर सिविल ब्रांच से हम लोग हैं, 3 ब्रांच में इसमें होता है बहाली, उसके लिए वैकेंसी निकली थी सर 1/2019 इसका विज्ञापन संख्या सर। लेकिन 2 साल होने के बावजूद भी जनवरी में इसका काउंसलिंग वगैरह करा लिया गया है, ठीक है सर। उसके बाद बोला गया कि 1 महीना में रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो 1 महीना तो उधर कोरोना के चलते अप्रैल में आ नहीं पाया, तो हम लोग सोचे कि चलो कोरोना है तो नहीं आया। लेकिन उसके बाद हम लोग को बार बार टहलाया जा रहा है सर, गुमराह किया जा रहा है सर, लेकिन रिजल्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है सर। इसीलिए हम लोग का कन्या अभियंता का रिजल्ट को मांग करने के लिए सर हम लोग शांतिपूर्ण मार्च किए हैं सर, यही हम लोग का मांग है सर। तो आपने सुना कि जिन लोगों का जो है मांग है शांतिपूर्ण मांग है, शांतिपूर्ण मार्च है, कई बताए हैं कई विभाग के द्वारा जी है जी, बताइए क्या मांग है आपकी? रवि रंजन कुमार, हम लोग का मांग यही है सर कि हम लोग का रिजल्ट क्लियर किया जाए। 7-8 महीने पहले मतलब काउंसलिंग वगैरह सारा कुछ क्लियर हो गया है, और उसके बाद भी हम लोग का रिजल्ट क्लियर नहीं किया जा रहा। जब भी विभाग जाते हैं तो एक डेट दिया जाता है कि इस डेट को आ जाएगा रिजल्ट, उसके बाद भी नहीं आता, हम लोग को ऐसे ही बहकाया जा रहा है मतलब। तो इन लोगों का मांग है कि केवल डेट पर डेट दिया जाता है, यानी तारीख पर तारीख होता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कोर्ट में जब तारीख पर तारीख होता है, तो यहाँ भी छात्रों को जो है तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, लेकिन बहाली नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कई छात्र हैं जो आप देख सकते हैं कि अभी हम बीजेपी कार्यालय का है जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पे हैं, और ये छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। चाहिए और कई छात्रों से मांग करते हैं, क्या कुछ मांग है जी, बताइए क्या कुछ मांग है आपकी? हम लोग का मांग है कि जो बीटीएससी जेई का रिजल्ट क्लियर करें। 1 महीने से पिछले महीने में ही डेट दिया था सरकार जो रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन स्टे लगने के कारण बोला गया जो स्टे हटने के बाद क्लियर होगा, और 13 तारीख को ही स्टे हट गया, लेकिन अभी तक कोई नहीं है इस पे। और 2 महीने पहले डॉक्टर का बहाली का प्रकाशन आया, उसका काउंसलिंग भी हो गया और कल उसका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन हम लोग का 2 साल से हो रहा है लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। हम लोग का मकसद है कि सर जो बीटीएससी से कोई हमको लिखित मिले, डेट मिले जो कब तक रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो कर रहे हैं हम लोग, अभी यहाँ से बीटीएससी ऑफिस जाएंगे बीटीएससी ऑफिस वहाँ जाने के बाद मांग कीजिएगा। क्या वहाँ जाने के बाद मांग कीजिएगा? हाँ, यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि बीटीएससी अध्यक्ष अजय चौधरी जी है, शर्म करो, बिहार में बाहर है नीतीश जी की सरकार है, फिर भी जीई बेरोजगार है। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी है, हर जो विभाग है विभाग में
को लेकर के यहाँ पे जो मांग किया जा रहा है, और आप छात्रों को देख सकते हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। तो आपने सुना, आपने देखा कि बीटीएससी छात्र किस मांग को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया जाए। अपने थ्रू भी हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।